हेलो एवरीवन, उत्कर्ष क्लासेस की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और राजस्थान ज्योग्राफी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि सभी एग्जाम में पूछा जाता है, वो है नदियाँ। और हम उसके सेकंड पार्ट की ओर आज बढ़ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में देखिए, मनीष सर आए थे जिन्होंने कि आपके साथ डिस्कस किया था कि राजस्थान की जो नदियाँ हैं उनको किस किस प्रकार से उस अपवाह तंत्र को बांटा जाता है। उसमें से उन्होंने जो है आंतरिक जल प्रवाह की नदियाँ कौन कौन सी हैं ये डिस्कस उन्होंने कर लिया था। इसके अलावा अरब सागर की ओर जो नदियाँ जाती हैं वो उन्होंने डिस्कस कर ली थी, जिसमें कि दो इम्पॉर्टेंट नदियाँ थी, लूनी और माही। और इनकी जितनी भी सहायक नदियाँ हैं उनसे किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो सब उन्होंने डिस्कस कर लिए थे। दोस्तों, नदियों वाला जो टॉपिक है इसमें एक जो प्रॉब्लम हमेशा रहती है वो ये है कि नदियों की लंबाई जो है हर बुक में आपको अलग अलग मिलेगी, तो ये जो डायलेमा रहता है तो इसको आप थोड़ा सा अगर गवर्नमेंट साइट से कंफर्म करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो हम जो डेटा यूज़ करेंगे वो जनरली गवर्नमेंट सर्वे में जो डेटा लिया गया है, वैपकॉस सर्वे जो हुआ था, सर्वेक्षण, उसके अकॉर्डिंग जो डेटा है वो लेंगे। इसके अलावा कुछ जो प्रचलित डेटा है जो जनरली बुक्स में मिलता है या जनरली RPSC ने किसी किसी एग्जाम में सही माना है उसको भी हम बताते चलेंगे। तो लेकिन अगर आप लंबाई वाले जो डेटा है उसको अवॉइड करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि इसे डायरेक्टली क्वेश्चन भी बहुत कम आते हैं और दूसरी बात बहुत ही कंफ्यूजिंग ये रहता है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। जो नदियाँ थी, राजस्थान की जो नदियाँ हैं, एक बार हम वापस से डिस्कस कर लेते हैं। इसको तीन प्रकार के अपवाह तंत्र में बांटते हैं। पहला जो है वो है आंतरिक अपवाह प्रणाली। आंतरिक अपवाह प्रणाली का मतलब क्या होता है कि ऐसी नदी जो किसी सागर में जाकर ना मिले और अपने ही बीच में ही कहीं लुप्त हो जाए, उसे आंतरिक जल प्रवाह कहते हैं। तो आंतरिक अपवाह प्रणाली राजस्थान में लगभग 60.2% आंतरिक जल प्रवाह की नदियां हैं। यानी उनमें सबसे ज्यादा फेमस जो है, जो अक्सर पूछी जाती है, वो है कांतली नदी। और अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं तो देखते हैं आप क्या जवाब देते हैं कि कांतली नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई। तो मैं आपके आंसर्स का वेट कर रही हूं। जल्दी से अपने चैट बॉक्स में लिखकर बताएं कि कौन सी सभ्यता कांतली नदी के किनारे विकसित हुई। आप सभी के आंसर्स का वेट कर रही हूं मैं। देखते हैं कौन जवाब देते हैं सबसे पहले। कौन सी सभ्यता कांतली नदी के किनारे विकसित हुई? कुछ लोग बोल रहे हैं वॉल्यूम बढ़ाएं, तो टेक्निकल टीम एक बार देख लीजिए। बिल्कुल विश्वेंद्र जी जवाब दे रहे हैं, गणेश्वर, हरिओम जी गणेश्वर, सीताराम जी, दिनेश जी, काफी लोग अब सही जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल गणेश्वर सभ्यता थी जो कि कांतली नदी के किनारे विकसित हुई, और कांतली नदी आंतरिक जल प्रवाह की नदी है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी नदियां हैं जो आंतरिक जल प्रवाह की नदियां हैं, जैसे साबी, मेनता, रूपनगढ़, बाणगंगा भी कुछ हद तक आंतरिक जल प्रवाह है, कुछ हद तक आंतरिक जल प्रवाह नहीं है। क्या उसके इश्यूज हैं वो अभी हम देखेंगे यहीं पर ही। तो इस प्रकार से आंतरिक अपवाह जो प्रणाली है वो 60.2% है राजस्थान के कुल अपवाह प्रणाली का। तो ये वो नदियां हैं जो किसी सागर में जाकर नहीं मिलती। फिर जो अरावली पर्वतमाला है राजस्थान में, वो राजस्थान के अपवाह तंत्र को दो भागों में विभाजित करता है। एक अपवाह तंत्र जो अरब सागर की ओर जाता है, यानी ऐसी नदियां जो अरावली के पश्चिम में बहती हैं अरब सागर में जाके मिलती हैं, और ऐसी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं वो अरावली के पूर्व की नदियां। जितनी भी नदियां बंगाल की खाड़ी में जाती हैं ऐसी कोई भी नदी नहीं है जो डायरेक्ट राजस्थान से निकली और सीधे बंगाल की खाड़ी में गिर गई, यानी इतनी लंबी कोई नदी नहीं है। ज्यादातर नदियां जो बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं वो सब यमुना में मिल जाती हैं, और कुछ नदियां डायरेक्ट यमुना में मिलती हैं और कुछ नदियां चंबल में मिलती हैं, और चंबल अंतिम रूप से यमुना में मिलती है। और दोस्तों यमुना भी डायरेक्टली बंगाल की खाड़ी में जाकर नहीं गिरती है। यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है, और गंगा जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो इस प्रकार से ये पूरी एक चेन है और सभी नदियां गंगा के माध्यम से जो है अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती हैं। तो हम जो है अरब सागर वाली जो नदियां हैं वो, और आंतरिक जल प्रवाह की नदियां वो पहले वाले पार्ट में देख चुके हैं। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर के चैनल के, तो उस प्लेलिस्ट में आपको राजस्थान का भूगोल एक फोल्डर मिलेगा, और उसके अंदर जो नदियां वाला पार्ट है पार्ट वन, उसके अंदर आपको दोनों नदियां जो है दोनों प्रकार की नदियां मिल जाएंगी। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जा रही हैं। तो इनमें से देखा हमने आंतरिक अपवाह तंत्र 60.2%,
अरब सागरीय अपवाहतंत्र लगभग लगभग 17%, 17 से थोड़ा सा ज्यादा 17.1 लगभग, और बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र जो आज हम डिस्कस करेंगे वो लगभग 23%, लेकिन 23% से थोड़ा कम, लगभग 22.4%। तो इस प्रकार से ये जो है इनका डिवीजन है, एकदम शार्प डिवीजन नहीं है, ये थोड़ा सा 23% से कम है और ये 17% से थोड़ा ज्यादा है। तो इस प्रकार से ये हमने देखा कि ये राजस्थान की नदियां हैं। तो हम नदियों में आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। अब देखिए, अगर बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया, सारी ही नदियां यमुना के माध्यम से अपना जल ले जाती हैं। तो यमुना में कौन कौन सी नदियां मिल रही हैं राजस्थान की? एक तो बाणगंगा। बाणगंगा देखिए एक आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी भी है और एक बंगाल की खाड़ी की नदी भी है, ये अभी हम बाणगंगा जब पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। दूसरी नदी है गंभीर नदी, तीसरी है पार्वती नदी। पार्वती नदी भी राजस्थान में दो नदियां हैं पार्वती, एक पार्वती नदी है जो कि चंबल की सहायक नदी है जिसे कि पार्वती सेकंड भी बोला जाता है, और एक पार्वती नदी है जो कि यमुना की सहायक नदी है और राजस्थान में ओरिजिनेट होकर यमुना में जाकर मिलती है। राजस्थान के धौलपुर से निकलती है और धौलपुर से सीधे यूपी चली जाती है। इसके बाद है चंबल, जो कि राजस्थान में सबसे ज्यादा इसमें इसका अपवाह तंत्र है और सबसे बड़ा बेसिन जो है चंबल का है। तो ये जो है सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे, बाणगंगा, गंभीर, पार्वती और चंबल। तो राजस्थान में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है, तो मुख्य रूप से चार नदियां हैं जो कि यमुना की सहायक नदी हैं और ज्यादातर ये नदियां यूपी में जाकर यमुना में मिलती हैं। तो कौन कौन सी है? बाणगंगा है, गंभीर है, पार्वती है और चंबल है। तो सबसे पहले हम एक बार बाणगंगा, गंभीर और पार्वती को देख लेते हैं, उसके बाद जो चंबल अपने आप में इतना बड़ा पूरा चैनल है इसको डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं बाणगंगा को। देखिए बाण, ये सारी जो नदियां हैं अभी हम इसको मैप पर भी प्लॉट करेंगे, तो इसलिए आप थोड़ा सा सब्र करें। कुछ लोग बोल रहे हैं आवाज तेज करिए, टेक्निकल टीम प्लीज एक बार इसे देख लें, वॉल्यूम जो है चेक कर लें। ठीक है, बाणगंगा की सबसे पहले देखें सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो तीन सहायक नदी हैं, गुमटी नाला, सुरा, या इसको कई जगह आपको सूरी भी लिखा हुआ मिलेगा, सुरा या सूरी, और तीसरी जो नदी है वो है पलोसन नदी। तो इस प्रकार से तीन जो है बाणगंगा की सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी? गुमटी नाला, फिर सुरा या सूरी नदी, और जो तीसरी है वो है पलोसन नदी। तो पहली बात तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सहायक नदियों पर कि ये किसकी सहायक नदी है या कौन सी इसकी सहायक नदी नहीं है। तो बाणगंगा की तीन सहायक नदियां जिनको आप याद रखेंगे, पलोसन, सुरा या सूरी और गुमटी नाला। इसके बाद देखिए इसका उद्गम कहां होता है, जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात, इसका उद्गम कहां होता है? बैराट की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। बैराट की पहाड़ियां कहां पर है? जयपुर में स्थित है बैराट की पहाड़ियां, तो इसका उद्गम हो रहा है जयपुर में। और जयपुर से ये निकलकर कहां कहां पर बहती है? जयपुर, दौसा और भरतपुर, तीन जिलों में ये बहती है। देखिए राजस्थान में अक्सर शुष्क जलवायु का विस्तार रहता है और जब बारिश कम होती है तो ये नदी क्या करती है? भरतपुर में जाकर फैल जाती है, यानी भरतपुर में अपने क्षेत्र में फैल जाएगी और भरतपुर में ही लुप्त हो जाती है। जब ये लुप्त हो जाएगी भरतपुर में तो इसे हम क्या कहेंगे? ये आंतरिक जल प्रवाह की नदी हो जाएगी, यानी ना तो अरब सागर में इसका जल गया, ना ही इसका जल बंगाल की खाड़ी में गया, और ये जल कहां पर रह गया? ये जल रह गया भरतपुर तक ही। तो यानी जयपुर, दौसा और भरतपुर तक ये नदी बहती है और भरतपुर में जाकर फैल जाती है और जहां पर लुप्त हो जाती है। अच्छा ठीक है, तो भरतपुर, ये इसकी कॉन्ट्रोवर्सी थी जो हमने देखा कि ये कहीं जगह आपको मिलेगा आंतरिक जल प्रवाह की नदी है और किसी किताब में आपको लिखा मिलेगा कि ये यमुना की सहायक नदी है। जब ये नदी लुप्त नहीं होती, यानी अच्छी वर्षा हो जाती है राजस्थान में, तो राजस्थान में जब अच्छी वर्षा होती है तो इस नदी में अच्छा जल आ जाता है और ये भरतपुर से आगे बहकर यूपी में चली जाती है और यूपी में जाकर फतेहाबाद में किससे मिल जाती है? चंबल से मिल जाती, यमुना से मिल जाती है। तो ये याद रखेंगे आप, बाणगंगा, बाणगंगा हर किताब में देखिए आपको अलग मिलेगा, इसलिए यहाँ कंफ्यूजन हम दूर कर रहे हैं कि क्या है कि पहली बात, अगर कम बारिश होगी तो भरतपुर में जाकर फैल जाएगी और भरतपुर में लुप्त हो जाएगी, और अगर अच्छी बारिश हो गई तो भरतपुर से अगर उत्तर प्रदेश में जाएगी और उत्तर प्रदेश में फतेहाबाद में
यमुना में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बात समझ में आई आपको कि किस प्रकार से आंतरिक जल प्रवाह की नदी भी है और बंगाल की खाड़ी की नदी भी है। उसके बाद तीसरी जो इसकी खास बात है वो ये है कि इस पर कौन सा बांध है, जमवा रामगढ़ बांध है, जो कि कहां पर स्थित है जमवा रामगढ़ बांध, ये जयपुर में स्थित है जमवा रामगढ़ बांध। इसके अलावा बाण गंगा के बारे में एक और खास बात यह है कि इसे रुंडित नदी भी कहते हैं, रुंडित नदी। इन सभी का स्क्रीनशॉट लेने का समय आपको मिलेगा, आप थोड़ा सा सब्र करें, एक बार हम ये पढ़ लें फिर जो है इसको इसका स्क्रीनशॉट लेने का आपको समय देंगे। देखिए रुंडित नदी इसको कहते हैं बाण गंगा को, और ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि कौन सी नदी रुंडित नदी है। ठीक है, तो रुंडित नदी बाण गंगा है। अब रुंडित नदी क्या होती है, देखिए रुंडित नदी का मतलब है एक ऐसी नदी, अगर इसको इंग्लिश में बोलें तो वो कैप्चर्ड हो जाती है, कैप्चर्ड नदी, यानी ये एक ऐसी नदी है जब बारिश कम होगी तो किसी और नदी में इसका जल जो है चला जाता है, जैसा कि हमने बताया कि भरतपुर में फैल जाती है और फैलकर क्या है लुप्त हो जाती है। तो फैलने का क्या मतलब है, यानी भरतपुर में इसकी वितरिकाएं बन जाएंगी, भरतपुर में गई और यहां पर इसका जल जो है फैल गया, इस तरह से फैलकर किसी और नदी में इसका जल मिल गया और वहां से ये लुप्त हो गई। तो इसलिए इस नदी को रुंडित नदी कहा जाता है या कैप्चर्ड नदी कहा जाता है, यानी कैप्चर कर लेती है कोई और नदी इसका अपहरण कर लेती है, तो इस प्रकार से इसे रुंडित नदी कहते हैं और ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर इस इंफॉर्मेशन का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लेकर रख सकते हैं, मैं आपको 10 सेकंड का समय देती हूं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कुछ लोग बोल रहे हैं प्लेलिस्ट गायब है, एक्चुअली अभी YouTube की कुछ सर्वर प्रॉब्लम है इस वजह से प्लेलिस्ट नहीं दिख पा रही है, जैसे ही प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी आपको प्लेलिस्ट दिखने लगेगी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। गंभीर नदी, देखिए गंभीर नदी भी इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। गंभीर नदी की तीन सहायक नदियां हैं पांचना, सेसा और खेर। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए पांचना, सेसा और खेर किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये सहायक नदियां हैं गंभीर की। ठीक है, इसका उद्गम कहां होता है, इसका उद्गम होता है नादौती की पहाड़ियां, जो कि कहां पर है करौली में है, नादौती की पहाड़ियां करौली में इसका उद्गम होता है। पांचना बांध है इस नदी पर, पांचना पर पांचना बांध है, पांचना बांध करौली में, क्योंकि ये नदी करौली से ही निकलती है। पांचना बांध करौली में जो है ये राजस्थान का मिट्टी का बना सबसे बड़ा बांध है, ये इसकी खास बात है। तो गंभीर नदी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो इसकी सहायक नदियां, पांचना के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि पांचना किसकी सहायक नदी है, पांचना पर पांचना बांध है करौली में स्थित है और ये मिट्टी का बना राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। उद्गम इसका होता है नादौती की पहाड़ियों से करौली में जो स्थित है। गंभीर नदी में एक और खास बात है, जो खानवा का युद्ध हुआ था बाबर के साथ 1527 में, तो जो खानवा का युद्ध हुआ था उस युद्ध का मैदान गंभीर नदी के पास में स्थित है। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि खानवा का मैदान किस नदी के पास स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए गंभीर नदी के पास स्थित है खानवा का मैदान। तो अगर आप इसका भी जो है स्क्रीनशॉट लेकर रखना चाहते हैं तो लेकर रख सकते हैं, मैं 10 सेकंड का समय आपको देती हूं। आकाश जी पूछ रहे हैं एग्जाम में लेंथ भी पूछते हैं क्या, देखिए इतनी सारी नदियां हैं, सारी नदियों की लेंथ याद रखना भी मुश्किल है और सारी नदियों की लेंथ याद रखना आपसे एक्सपेक्टेड भी नहीं है, तो कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं जिनकी जो है लंबाई पूछी जाती है और वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। बाकी जो है डेटा जो है बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल रहता है और ऐसे क्वेश्चंस अगर आप अवॉइड करें तो ही ज्यादा ठीक है, जहां आपको लगता है कि भाई ठीक है अटेम्प्ट किया जा सकता है सिर्फ वहीं लंबाई के चक्कर में पढ़ें, क्योंकि लंबाइयों का क्या है हर किताब में लंबाइयां अलग मिलती हैं। और इसके अलावा जो सर्वे है वेबकॉस सर्वे जो गवर्नमेंट ने खुद ने कराया है उसमें लंबाई एकदम अलग पाई जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला चंबल है। चंबल जो रिवर सबसे ज्यादा सतही क्षेत्र रखती है वो चंबल नदी, और देख ही सकते हैं कि आप इसका कितना बड़ा एक फ्लो चार्ट बन रहा है। चंबल की जो सहायक नदियां हैं उनमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, कुराल,
मेज, बनास, बनास जो अपने आप में बहुत बड़ी नदी है, और राजस्थान की। देखिए, दो तरह से सवाल आता है। एक सवाल आएगा कि राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उसका आंसर होगा चंबल। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी। और एक क्वेश्चन आएगा पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो दोनों में डिफरेंस है। देखिए, चंबल जो है, चंबल मध्य प्रदेश में उत्पन्न होती है, राजस्थान में बहती है, और वहां कहाँ जाती है, उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना में मिलती है, यानी तीन राज्यों में बहती है। जबकि बनास राजस्थान में ही उत्पन्न होती है और राजस्थान में ही चंबल में मिल जाती है। तो अगर क्वेश्चन आए राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो चंबल आंसर होगा। और दूसरा अगर क्वेश्चन आए कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो उसका आंसर होगा बनास। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये आपको याद रखना है। तो हमने देखा चंबल की सहायक नदियां कुराल, मेज, बनास, बामनी, कालीसिंध और पार्वती। फिर इसके बाद अगर हम देखें कालीसिंध, तो कालीसिंध की दो सहायक नदियां हैं आहू और परवल। और जैसा कि हमें पता है आहू और कालीसिंध के संगम पर कौन सा किला स्थित है, जल्दी से अपने लाइव चैट में लिखकर बताएं कि आहू और काली सिंध के संगम पर कौन सा किला स्थित है। बिल्कुल, मैप अभी इसके बाद हम मैप ही डिस्कस करेंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं मैप की सहायता से पढ़ाएं। आहू और काली सिंध के संगम पर कौन सा किला स्थित है, जल्दी से बताएं अपने चैट बॉक्स में लिखकर। गागरोन का, सीताराम जी बोल रहे हैं, सुनील जी, राहुल जी, काफी लोगों के सही जवाब आ रहे हैं। गागरोन का किला, बिल्कुल सही बात है। गागरोन का किला जो कि झालावाड़ में है, आहू और काली सिंध के संगम पर स्थित है। तो इस प्रकार से काली सिंध की दो सहायक नदियां हैं आहू और परवल। अगर हम बात करें बनास, तो बनास की कुछ इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं चंद्रभागा, कोठारी, खारी, मानसी, या इसको बोलते हैं माशी भी बोला जाता है। इसके अलावा मोरेल, जिसकी सहायक नदी ढूंढ है, और बेडच और मिनाल। इन सभी को अभी हम मैप पे प्लॉट करेंगे। एक बार अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लेकर रख सकते हैं। मैं 10 सेकेंड का समय आपको देती हूं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो लेकर रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आलनिया, चाकन भी सहायक नदियां हैं इसकी। इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं जिनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, या जो बड़ी सहायक नदियां हैं उनका ही हम जिक्र यहां पर कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जिस मैप की आप बात कर रहे हैं उस मैप को अब हम प्लॉट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ये हमने पूरा जो बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियों का मैप प्लॉट किया हुआ है। अगर ये देखें, ये सारी नदियां अरावली के पूर्व में स्थित हैं, और अगर देखा जाए तो राजस्थान के दक्षिण और दक्षिण पूर्व और पूर्वी क्षेत्रों में स्थित हैं। दक्षिण में, दक्षिणी पूर्व में और पूर्व में, तो ये पूरी जो नदियां हैं बंगाल की खाड़ी वाली अरावली के पूर्व में स्थित हैं। अब देखिए इनमें कौन सी नदी कौन कौन सी है ये हम देख लेते हैं। सबसे ऊपर जो आपको दिख रही है ये है बाणगंगा। बाणगंगा नदी, अभी जो बाणगंगा नदी है हमने बताया था कहां से निकलती है, जयपुर से निकलती है, दौसा में बहती है। तो दौसा में बहने के बाद जब भरतपुर में प्रवेश करती है, तो अगर कम बारिश होती है तो भरतपुर में ही लुप्त हो जाती है, और अगर अधिक बारिश हो जाती है तो फतेहाबाद यूपी में जाकर यमुना में मिल जाती है। तो ये पूरी जो नदी है ये है बाणगंगा, ठीक है। इसके बाद इसके नीचे अगर हम देखें, तो इसके नीचे जो ये नदी है, ये जो आपको दिख रही है, ये कौन सी नदी है जो अभी हमने पढ़ी है, ये है गंभीर नदी, जो कि कहां से निकलती है, नादौती की पहाड़ियों से करौली में निकलती है। तो करौली से निकलती है गंभीर नदी, और जो कि हमने देखा था खानवा का युद्ध का मैदान गंभीर नदी के पास में स्थित है, तो ये गंभीर नदी है पूरी। इसके बाद हमने देखा जो नीचे है, इसके नीचे ये जो नदी है, ये नदी है आपकी पार्वती नदी। पार्वती नदी देखिए दो पार्ट्स में है, एक तो पार्वती नदी ये वाली है जो कि यमुना में जाके मिल रही है, धौलपुर से निकल रही है, ठीक है, धौलपुर से निकल रही है और यमुना की सहायक नदी है पार्वती। लेकिन अगर हम एक और बात करें तो राजस्थान में ये जो नीचे से नदी प्रवेश कर रही है ये भी पार्वती नदी है, जो कि चंबल की सहायक नदी है। इसे अक्सर पार्वती सेकंड कहा जाता है, पार्वती टू,
ठीक है, तो ये अक्सर एग्जाम में आपको याद रखना है, पार्वती, एक पार्वती नदी यमुना की सहायक नदी है जो कि धौलपुर से निकलती है, और एक पार्वती नदी चंबल की सहायक नदी है, ठीक है, एमपी में उद्गम होता है उसका और चंबल में आकर मिल जाती है। ठीक है, तो ये दो पार्वती नदियां हैं, ये जो चंबल की सहायक नदी है इसे अक्सर पार्वती 2 भी कहा जाता है। अब देखिए ये सबसे बड़ी जो नदी है दिख रही है आपको, ये है चंबल नदी। चंबल नदी एमपी में ओरिजिनेट होती है महू के पास, ठीक है, महू से ओरिजिनेट होती है और एमपी से राजस्थान में प्रवेश करती है भैंसरौड़गढ़ में। और भैंसरौड़गढ़ किस जिले का पार्ट है जल्दी से बताएं चैट बॉक्स में लिखकर कि भैंसरौड़गढ़ किस जिले का भाग है, किस जिले में आता है भैंसरौड़गढ़, चैट बॉक्स में लिखकर बताएं। इनका उद्गम भी बिल्कुल, जो अभी नदियां हैं चंबल की सहायक नदियां, आप थोड़ा वेट करें, ये सारी चीजें हम देखेंगे, जो भी पढ़ा रहे हैं एक बार आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। भैंसरौड़गढ़ किस जिले में स्थित है जल्दी से बताएं, भीलवाड़ा नहीं, चित्तौड़गढ़, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, चित्तौड़गढ़ में स्थित है, चित्तौड़गढ़ के जिले का पार्ट है भैंसरौड़गढ़, लेकिन चित्तौड़गढ़ से थोड़ा सा दूर स्थित है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ इधर स्थित है, बीच में भीलवाड़ा की सीमा लगती है और उसके बाद भैंसरौड़गढ़ स्थित है जो कि चित्तौड़गढ़ का पार्ट है। तो ये जो चंबल नदी है वो राजस्थान में भैंसरौड़गढ़ में प्रवेश करती है और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद ये नदी आगे बहती है कोटा बूंदी, जहां पर कोटा बूंदी की ये सीमा बनाती है, उसके बाद कोटा बूंदी से आगे सवाई माधोपुर में प्रवेश कर जाती है और सवाई माधोपुर से धौलपुर तक ये किसकी सीमा बनाती है, ये बनाती है राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा। यानी कि इस नदी सबसे पहले कोटा और बूंदी की सीमा बनाती है, उसके बाद सवाई माधोपुर से धौलपुर तक राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है और उसके बाद यूपी में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि जो चंबल नदी है वो किस किस की सीमा बनाती है। तो आपको याद रखना है कोटा बूंदी की सीमा भैंसरौड़गढ़ में राजस्थान में प्रवेश करती है, उसके बाद कोटा बूंदी की सीमा बनाती है और उसके बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है सवाई माधोपुर से लेकर धौलपुर तक, और धौलपुर से यूपी में प्रवेश करती है और वहां पर यूपी और एमपी की सीमा बनाती है, यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। ठीक है, तो ये चंबल नदी हो गई। अब बाकी सारा जो पूरा चैनल आपको दिखाई दे रहा है इस मैप पे वो है चंबल नदी की सहायक नदियां। सबसे पहले हमने देखा पार्वती नदी जो कि एमपी में ओरिजिनेट होती है और चंबल में आकर मिल जाती है, जिसे हम पार्वती 2 भी बोलते हैं, और ये पार्वती 2 इस पार्वती से अलग है। दूसरी जो सहायक नदी है ये है आहू नदी, आहू, कालीसिंध और परवन, ये तीनों ही समानांतर नदियां हैं, लगभग समानांतर बहती हैं, आहू, कालीसिंध, परवन। ठीक है, और आहू और कालीसिंध ये देखिए यहां पर मिल गई झालावाड़ में और यहां पर गागरोन का किला स्थित है, जहां पर आहू और कालीसिंध नदियां मिलती हैं यहां पर झालावाड़ में गागरोन का किला स्थित है। उसके बाद परवन नदी भी इसमें ऊपर आकर काली सिंध में मिल जाती है। तो हमने अभी पढ़ा था कि काली सिंध की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, आहू और परवन, और काली सिंध जो है काली सिंध चंबल की सहायक नदी है और चंबल में जाकर मिल जाती है। इसके बाद अगर हम देखें ये चंबल की सहायक नदियों में, तो ये चंबल के बाएं ओर ये छोटी सी नदी मिल रही है भैंसरौड़गढ़ में ही, और ये जो नदी है ये है बामनी नदी, बामनी नदी। ठीक है, तो ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि बामनी नदी किसकी सहायक नदी है, तो बामनी चंबल की सहायक नदी है और भैंसरौड़गढ़ में चंबल में मिलती है, जिसके पास की एक जलप्रपात स्थित है। कौन सा जलप्रपात स्थित है भैंसरौड़गढ़ में चंबल पर, जल्दी से अपने चैट बॉक्स में लिखकर बताएं, चंबल नदी पर भैंसरौड़गढ़ में कौन सा जलप्रपात स्थित है। चूलिया जलप्रपात, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं अश्विन सैनी जी, चूलिया जलप्रपात है वो भैंसरौड़गढ़ में, कहां पर स्थित है, जहां पर चंबल और बामनी नदियां मिलती हैं उसके पास में स्थित है चूलिया जलप्रपात, चंबल नदी पर भैंसरौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, उसके बाद ये नदी आगे बढ़ जाती है, इधर ही आप अगर आप देखेंगे चंबल के बाएं सीमा पर, तो कुराल और मेज नदियां,
ये हैं कुराल और मेज नदियां जो कि चंबल में आकर मिलती हैं। और अभी हमने देखा था कुराल और मेज किसकी सहायक नदियां हैं, चंबल की सहायक नदियां हैं और चंबल पर बाई तरफ से आकर मिलती हैं। अगर चंबल के दाएं तरफ की बात करें तो चंबल की दाएं तरफ हमें कौन कौन सी नदियां दिख रही हैं, आहू, कालीसिंध, परवल और पार्वती टू। और बाकी सारी नदियां, अक्सर ज्यादातर नदियां चंबल के बाई ओर से आकर मिलती हैं। देखिए नदी जिस दिशा में बह रही है उस दिशा में अगर आप मुंह करके खड़े हो तो उस हिसाब से जो आपके बाएं हाथ पर आके नदियां मिलेंगी वो बाई नदियां और जो दाएं हाथ पर नदी मिलेगी वो दाएं हाथ की नदियां। तो अगर चंबल इस प्रकार से बह रही है तो अगर मैं इधर मुंह करके खड़ी हूं तो यानी जो नदियां लेफ्ट हैंड पे मिलेंगी वो लेफ्ट साइड की और जो राइट हैंड पे मिलेंगी वो राइट साइड की रिवर्स कहलाएंगी। तो बामनी नदी क्या है, चंबल के बाएं ओर की नदी है और आहू, कालीसिंध, परवन, पार्वती टू ये चंबल की दाएं हाथ की नदियां हैं। इसके बाद हमने देखा कुराल और मेज, ये भी बाएं हाथ पर आकर मिल रही हैं। ऊपर देखिए ये पूरा जो बड़ा चैनल आपको दिखाई दे रहा है ये है बनास नदी। और जो बनास नदी है वो कहां पर मिलती है चंबल से, चंबल और बनास का संगम होता है रामेश्वर में, सवाई माधोपुर में। तो सवाई माधोपुर में रामेश्वर में आके बनास चंबल से मिल जाती है और ये बनास का खुद का अपना क्षेत्र है जो कि राजस्थान, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी। इसमें अगर हम देखेंगे तो बनास की सहायक नदी है, ये है बनास। अब देखिए अगर बनास में हम बात करें तो ये बनास की सहायक नदी है एक मोरेल, ये है मोरेल नदी जो कि बनास की सहायक नदी है और जिस पर मोरेल बांध स्थित है सवाई माधोपुर में, ठीक है। और ये जो ये मोरेल की सहायक नदी है जिसका नाम है ढूंढ। तो इस प्रकार से ये दो नदियां हैं, मोरेल और मोरेल की सहायक नदी है ढूंढ। अगर हम थोड़ा सा इधर बढ़ेंगे तो ये नदी है मानसी, माशी और माशी की सहायक नदी है बांडी, ठीक है। माशी की सहायक नदी है बांडी। तो माशी और बांडी ये भी बनास की सहायक नदियां हैं, माशी बनास की सहायक नदी है और बांडी माशी की सहायक नदी है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ये जो नदी आपको दिख रही है ये है खारी नदी, खारी नदी। और ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि खारी किसकी सहायक नदी है, तो खारी जो है वो किसकी सहायक नदी है, खारी है बनास की सहायक नदी। इसके बाद अगर आप नीचे देखेंगे ये जो नदी है ये है कोठारी नदी। यहां पर आपको सारी नदियां समानांतर दिखाई देंगी, खारी, कोठारी, उसके नीचे बनास है और उसके नीचे ये है बेड़च नदी। बेड़च किसकी सहायक नदी है ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो बेड़च बनास की दाएं हाथ की नदी है, ठीक है, दाएं हाथ की नदी है बेड़च बनास की और जिसपे एक त्रिवेणी संगम भी स्थित है उसे हम आगे देखेंगे अभी। तो बेड़च, बनास और कोठारी ये, और ये पैरेलल नदियां हैं सारी, सबसे ऊपर खारी आएगी उसके बाद कोठारी आएगी फिर बनास फिर बेड़च। एग्जाम में आपसे इनका ऑर्डर भी पूछा जाता जा सकता है उत्तर से दक्षिण का, तो ये भी आपको याद रखना है। तो हमने सबसे पहले देखा था ये तीन नदियां, बाणगंगा जो कि जयपुर से निकलकर दौसा भरतपुर में बहती हुई, उसके बाद फतेहाबाद में जाती है, उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती है। उसके बाद है गंभीर नदी जो कि नादौती की पहाड़ियों से करौली से निकलती है जिसके किनारे खानवा की युद्ध का मैदान स्थित है, तो और वो कहाँ जाके, उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना में मिल जाती है। तीसरी नदी है पार्वती नदी और पार्वती नदी धौलपुर से निकलकर यमुना में मिल जाती है उत्तर प्रदेश में जाकर। इसके बाद नीचे देखें कौन सी नदी है, चंबल, चंबल एमपी में ओरिजिनेट होती है महू के पास जनापाव की पहाड़ियों से, राजस्थान में प्रवेश करती है भैंसरौड़गढ़ से, भैंसरौड़गढ़ से आगे कोटा बूंदी की सीमा बनाती है, फिर सवाई माधोपुर से धौलपुर तक राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है और धौलपुर से आगे निकलकर उत्तर प्रदेश चल जाती है और वहां पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है, ठीक है। अगर हमने इसकी देखें राइट हैंड साइड की नदियां, तो राइट हैंड साइड पर हमें दिख रही है पार्वती टू जो कि मध्य प्रदेश में उद्गमित होती है, इसके बाद आहू, कालीसिंध और परवन। आहू और कालीसिंध जो है झालावाड़ में मिलते हैं जिसके किनारे गागरोन का किला स्थित है झालावाड़ में, और उसके ऊपर परवन नदी है जो कि कालीसिंध की सहायक नदी है, और अंत में कालीसिंध जो है किसमें मिल जाती है, चंबल में मिल जाती है। अगर चंबल में बाएं हाथ पर देखें तो सबसे पहले बामनी नदी आकर मिलती है जो कि भैंसरौड़गढ़ में चंबल से मिलती है, उसके ऊपर जाएंगे तो कुराल और मेज नदियां हैं जो कि चंबल में मिलती हैं, उसके बाद बनास नदी चंबल में मिलती है।
बनास नदी सवाई माधोपुर में चंबल से मिलती है, कहां पर? रामेश्वर में, और रामेश्वर में यहां पर मिलती है, वहां पर रामेश्वर धाम स्थित है सवाई माधोपुर में। बनास की बात करें तो बनास की सहायक नदी है मोरेल, जिस पर कि मोरेल बांध स्थित है सवाई माधोपुर में, और मोरेल की सहायक नदी है ढूंढ नदी। ठीक है, इससे थोड़ा और पहले चलेंगे तो आपको यहां दिखेगी माशी और बांडी। माशी जो है बनास की सहायक नदी है और बांडी माशी की सहायक नदी है। फिर खारी नदी दिखेगी, खारी नदी जो कि चंबल बनास की सहायक नदी है। उसके बाद कोठारी नदी, और नीचे आपको ये बनास, बनास के राइट हैंड पर दिख रही है बेड़च नदी, जो कि बेड़च बनास और मिनाल के संगम पर एक त्रिवेणी संगम स्थित है भीलवाड़ा में। तो ये सारी जो चीजें हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं, तो ये मैप आपके दिमाग में बैठ चुका होगा, और अगर नहीं बैठा है तो ये वीडियो आप फिर से देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। मैं आपको 10 सेकंड का समय देती हूं जहां पे आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। चंबल के बांध ये भी अभी बताएंगे, अनिल जी बोल रहे हैं मैम चंबल के बांध भी बताएं। चंबल के बांध बिल्कुल अभी हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, आप थोड़ा सब्र रखा कीजिए, अभी जो चल रहा है पहले उसे सुने, उसके बाद जो आपके सवाल आए वो पूछते चलें। अभी अभी तक जो पढ़ाया अगर उसमें कोई सवाल हो तो आप जरूर पूछें। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं चंबल की, और चंबल की जो नदी की लंबाई है जिसपे डिस्प्यूट जो आपको अलग अलग किताब में मिलेगा वो हम देखते हैं। देखिए अगर हम बात करें सरकारी सर्वे की, तो सरकारी सर्वे के अनुसार इस नदी की कुल लंबाई है 1051 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई है मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तीनों जिलों को मिलाकर, लेकिन कुछ किताबों में आपको 965 मिलेगा, कुछ में 966 किलोमीटर मिलेगी, लेकिन हम सरकारी सर्वे की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 1051। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये भी याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में भी कई बार आरपीएससी इसी डेटा का उपयोग करती है। इसके बाद हम बात करें अगर राजस्थान में, तो राजस्थान में इस नदी की लंबाई है 322 किलोमीटर, ये राजस्थान में है, और अक्सर ये जो है सरकारी सर्वे के अनुसार है, लेकिन किताबों में अगर हम देखें तो किताबों में आपको मिलेगा 153 या 135 किलोमीटर राजस्थान में इसकी लंबाई। तो इसको याद रखेंगे आप कि सरकारी डेटा के अनुसार इसकी कुल लंबाई 1051 और राजस्थान में इसकी लंबाई 322 है, लेकिन किताबों में अगर देखेंगे तो किताबों में इसकी कुल लंबाई मिलेगी 965 या 66, और अगर आप इसकी राजस्थान में लंबाई देखेंगे तो किताब में आपको मिलेगी 153 या 135 किलोमीटर। तो सही डेटा और जो ज्यादातर किताबों में डेटा मिल रहा है आप दोनों ही याद रखें, एग्जाम में आपको अगर ये डेटा नहीं मिलता है तो इस डेटा को आप सही मानेंगे। तो चंबल की नदी की लंबाई पर डिस्प्यूट है, इनफैक्ट राजस्थान की जितनी भी नदियां हैं सभी नदियों की लंबाई में आपको हर किताब में अलग अलग डेटा मिलेगा, इसलिए उस डेटा पर रिलाय ना करके अगर आप ऑथेंटिक डेटा यूज करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, या फिर इस तरह के डिस्प्यूटेड क्वेश्चन जनरली डिलीट हो जाते हैं तो उसको नहीं अटेम्प्ट करें तो ही ज्यादा ठीक है। अब देखिए इसका उद्गम, इसका उद्गम होता है जनापाव पहाड़ी में, जो कि कहां पर है? महू के पास एमपी में। ये सभी को पता है जनापाव पहाड़ी महू एमपी में इसका उद्गम होता है। इसके बाद इसका बहाव क्षेत्र जो कि अभी हमने देखा भैंसरौरगढ़ जो कि किसमें है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। उसके बाद ये कोटा बूंदी की सीमा बनाती है, फिर सवाई माधोपुर करौली और धौलपुर में, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है, और धौलपुर के बाद यूपी चली जाती है जहां पर यूपी और एमपी की सीमा बनाती है। तो याद रखेंगे चित्तौड़गढ़ कोटा बूंदी सवाई माधोपुर करौली और धौलपुर किस किस की सीमा बना रही है? कोटा बूंदी की, राजस्थान मध्य प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा बना रही है। उसके बाद बांध, बांध देखिए इस पर कौन से हैं, और अक्सर एग्जाम में इन बांधों की लोकेशन भी पूछी जाती है, इनका उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर ऑर्डर भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिए गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध इस पर एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। तो सबसे दक्षिण का बांध है गांधी सागर बांध, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद राणा प्रताप सागर बांध, ये कहां पर स्थित है? ये रावत भाटा में स्थित है, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध इस पर स्थित है। उसके बाद जवाहर सागर बांध, तो जवाहर सागर बांध इस पर स्थित है कोटा बूंदी में,
कोटा बूंदी में जवाहर सागर बांध इस पर स्थित है, उसके बाद कोटा बैराज इसमें स्थित है कोटा पर। तो यही इसका दक्षिण से उत्तर का क्रम है। सबसे दक्षिण में गांधी सागर मध्य प्रदेश में, उसके ऊपर राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में, उसके बाद जवाहर सागर कोटा बूंदी में और कोटा बैराज कोटा में। इनका दक्षिण से उत्तर का क्रम भी पूछा जाता है, इन बांधों की लोकेशन भी पूछी जाती है, और ये बांध किस नदी पर है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बांधों का क्वेश्चन, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज, जो कि हमने देखा गांधी सागर मध्य प्रदेश में है, राणा प्रताप सागर जिसे रावत भाटा भी कहा जाता है छत्तीसगढ़ में स्थित है, जवाहर सागर कोटा बूंदी में स्थित है और कोटा बैराज कोटा में स्थित है। अगर इस पे जलप्रपात देखें तो वो चूलिया जलप्रपात है, जो कि कहां पर स्थित है, भैंसरौड़गढ़ में चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो ये जो है इसकी सहायक नदियां हम पहले ही देख चुके हैं सारी, कुराल, मेज, बनास, बेड़च, ये सब जो है इसकी सहायक नदियां हैं। तो जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात इस पे स्थित है, जिस पर भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है चूलिया जलप्रपात कहां स्थित है, तो भैंसरौड़गढ़ में स्थित है और भैंसरौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ का पार्ट है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लेकर रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली है बनास नदी, और बनास नदी का जो ऑथेंटिक डेटा है वो है 512 किलोमीटर, ये याद रखेंगे। कई जगह 300 के आसपास का डेटा मिलेगा अलग अलग किताबों में आपको, लेकिन जो इसका गवर्नमेंट सर्वे है उसके अकॉर्डिंग इसकी लंबाई 512 किलोमीटर है। अब देखिए, अगर हमने देखा था चंबल नदी, तो चंबल की राजस्थान में लंबाई कितनी थी, 322 किलोमीटर, लेकिन बनास की राजस्थान में लंबाई 512 किलोमीटर है, और ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो आप एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ रहा है ये जरूर ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो इसकी लंबाई है 512 किलोमीटर और राजस्थान की, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अब इसका उद्गम देखिए, उद्गम होता है खमनौर की पहाड़ियों से। खमनौर की पहाड़ियां कहां स्थित है, कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़ में स्थित है, और कुंभलगढ़ कहां पर है, राजसमंद में स्थित है। तो इस प्रकार से नदियों का उद्गम राजस्थान के राजसमंद जिले में है। तो याद रखेंगे, राजसमंद में कुंभलगढ़ के पास, कुंभलगढ़ में खमनौर की पहाड़ियों से इस रिवर का, इस नदी का उद्गम होता है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसे याद रखेंगे, खमनौर की पहाड़ियों से बनास का उद्गम होता है। इसका बहाव क्षेत्र कहां कहां पर है, तो देखिए राजसमंद में इसका उद्गम होता है, कुंभलगढ़ में तो राजसमंद, उसके बाद चित्तौड़गढ़ में ये नदी बहती है, फिर भीलवाड़ा में ये नदी बहती है। तो राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, और जहां सवाई माधोपुर में, रामेश्वरम में ये नदी किसमें मिल जाती है, रामेश्वरम या रामेश्वर धाम में ये नदी मिल जाती है चंबल में। ये रामेश्वर धाम कहां पर है, सवाई माधोपुर में। तो ये आप याद रखेंगे, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर में ये नदी रामेश्वरम धाम में किसमें मिल जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि चंबल और बनास का संगम कहां होता है, तो रामेश्वरम धाम में होता है। रामेश्वरम धाम कहां पर है, सवाई माधोपुर में स्थित है। तो इसलिए आप इसको याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इस पर एक इंपॉर्टेंट बांध बना हुआ है, जिसे क्या बोलते हैं, बीसलपुर का बांध, और ये कहां पर स्थित है, टोंक में स्थित है। बीसलपुर का बांध जो इस नदी पर बना हुआ है, और इससे लगातार बार बार लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। और अगर पिछले कुछ वर्षों में जो एग्जाम हुए हैं, अगर आप उनके पुराने प्रश्न देखें, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि बीसलपुर का बांध किस नदी पर स्थित है, या बीसलपुर का बांध किस जिले में स्थित है। तो बीसलपुर का बांध बनास नदी पर स्थित है, और बीसलपुर का बांध टोंक में स्थित है। तो आप इसे याद रखेंगे। इसके बाद एक त्रिवेणी संगम इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ये त्रिवेणी संगम है बनास, बेड़च और मेनाल का, जो कि मांडलगढ़, भीलवाड़ा में स्थित है। ठीक है, बनास, बेड़च, मेनाल, तो ये कहां स्थित है, मांडलगढ़, भीलवाड़ा में, और इस पर भी क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। तो आप इसे याद रखेंगे, बनास, बेड़च, मेनाल, मांडलगढ़, भीलवाड़ा में।
और इसका विलय रामेश्वरम धाम में, सवाई माधोपुर में हो जाता है, चंबल में। तो ये जो है बनास की खास बातें थी जिनसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखना चाहते हैं तो लेकर रख सकते हैं। 10 सेकंड का समय मैं आपको देती हूं इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए। बनास नदी जो कि राजस्थान में, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। आगे बढ़ते हैं, अगली नदी है बेड़च नदी, जिसे कि आयर नदी भी कहा जाता है। देखिए इसकी स्टोरी क्या है। आयर नदी ये सबसे पहले निकलती है गोगुंदा की पहाड़ियों से, गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, तब इसका नाम होता है आयर। उसके बाद ये गिरती है उदय सागर में, और उदय सागर से जब ये बाहर निकलती है तो इसका नाम हो जाता है बेड़च। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि किस सागर में गिरने के बाद इस नदी का नाम परिवर्तित हो जाता है, तो उदय सागर में गिरने के बाद। इसी नदी का पूरा जब ये निकलती है, उत्पत्ति स्थल पर इसका नाम होता है आयर, और उत्पत्ति स्थल से निकलकर उदय सागर में गिरती है, और उदय सागर से निकलने के बाद इसका नाम हो जाता है बेड़च। तो ये दोनों ही नाम इसके याद रखेंगे, आयर भी और बेड़च भी, ठीक है। और आयर से आपको याद आ रहा होगा कि इसी नदी के किनारे राजस्थान की एक प्राचीन सभ्यता आहड़ सभ्यता भी इसी नदी के किनारे स्थित थी। तो आप इसे याद रखेंगे, आहड़ सभ्यता। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता थी, इसी प्रकार से आहड़ सभ्यता बेड़च नदी के किनारे पर स्थित थी। तो ये भी आप याद रखेंगे, आहड़ सभ्यता, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें, इसका उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियों पर स्थित है। गोगुंदा की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। तो इसका उद्गम होता है उदयपुर में, और इस पर एक बांध स्थित है जो जिस पर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, घोसुंडा बांध। घोसुंडा बांध कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इससे बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं आते, प्रश्न यही आता है कि बेड़च किसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी है। और अंतिम रूप से इसका जल कहां जाता है? बंगाल की खाड़ी में जाता है। तो ये याद रखेंगे, बेड़च बनास की सहायक नदी है जिसका जल अंतिम रूप से बंगाल की खाड़ी में जाता है। उत्पत्ति स्थल जो कि क्या है? गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर, वहां पर इसका नाम होता है आयर। उदय सागर में ये गिरती है, उदय सागर से निकलने के बाद इसका नाम हो जाता है बेड़च। आयर सभ्यता, इससे इसका नाम रखा है आहड़ सभ्यता, यानी आहड़ सभ्यता बेड़च नदी के किनारे पर स्थित है। उसके बाद अगर हम देखें इसका बांध, तो इस पर एक इंपॉर्टेंट बांध स्थित है, घोसुंडा बांध, जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन थी जो बार बार एग्जाम में पूछी जा रही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर नदियों की बात करें तो नदियां राजस्थान में छोटी छोटी नदियां इतनी हैं जो कि ज्यादातर वर्षाकालीन नदियां हैं। अगर हम बात करें राजस्थान की नित्यवाही नदी, यानी जो 12 महीने बहती है, तो वो सिर्फ चंबल नदी है। किसी किसी किताब में चंबल और माही दोनों को 12 मासी नदियां माना गया है, लेकिन अगर हम ऑथेंटिक सोर्सेज की बात करें तो उसके हिसाब से सिर्फ चंबल नदी है जो कि 12 मासी नदी है। तो ये बात याद रखेंगे, राजस्थान की इकलौती ऐसी नदी जो कि 12 मासी है, चंबल है। राजस्थान के दो ऐसे जिले जहां कोई नदी नहीं है, बीकानेर और चूरू, जिस पर भी बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं कि बीकानेर और चूरू ऐसी नदियां हैं, ऐसे जिले हैं जिनमें कोई नदी नहीं है। अगर हम श्रीगंगानगर की बात करें तो श्रीगंगानगर में भी स्पेशली अलग से कोई नदी नहीं है, लेकिन जो घग्गर नदी है तो उसमें जब अधिक बारिश हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, तो कई बार घग्गर का पानी ही श्रीगंगानगर पहुंच जाता है। और इनफैक्ट घग्गर नदी में जब ज्यादा बाढ़ आ जाती है तो पाकिस्तान में भी उसका पानी चला जाता है, फोर्ट अब्बास तक। तो ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ी सतही क्षेत्र वाली नदी है वो है चंबल, जिसका अभी हमने पूरा विवरण पढ़ा। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास। इन पर देखिए बहुत सारे बांध बने हुए हैं, बहुत सारे जलप्रपात बने हुए हैं, बहुत सारे इन पे संगम बने हुए हैं। अलग अलग नदियां हैं जिनकी छोटी छोटी बहुत सारी सहायक नदी हैं। आंतरिक जल प्रवाह की बहुत सारी नदियां हैं जिनमें कांतली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नदियां एक ऐसा टॉपिक है जिसपे अगर पढ़ा जाए तो लगभग हम कितने भी दिन ले लें लेकिन नदियां कभी कंप्लीट नहीं होंगी। यानी नदियों में बहुत सारा एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, लेकिन फिर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आंकड़े थे, वो आप सभी को बताए गए हैं। होपफुली ये एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आप पार्ट वन जैसे ही यूट्यूब से प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है प्लेलिस्ट वाली, तो प्लेलिस्ट में आपको राजस्थान का भूगोल जो फोल्डर मिलेगा उसके अंदर अगर आप देखेंगे
तो उसके अंदर आपको पार्ट वन नदियों का मिल जाएगा, जिसमें कि अरब सागर की नदियां और आंतरिक जल प्रवाह की नदियां कौन कौन सी हैं, इसके अलावा अरब सागर की जो लूनी और माही नदी हैं उनका विस्तार से वर्णन आपको देखने को मिल जाएगा, और जो बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली मुख्य नदियां हैं वो हमने इस वीडियो में देख ली। होपफुली ये सब आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और आपको ये मजा भी आया होगा पढ़ने में। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और उत्कर्ष को इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी का थैंक यू वेरी मच। क्लिक ऑन दी सब्सक्राइब बटन टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।